बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ग्रह ठीक चल रहे होते हैं, हमारा समय ठीक चल रहा होता है, लेकिन हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। और जब सब कुछ ठीक होने के बाद आपका भाग्य साथ न दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपके भाग्य को कमजोर कर रहे हैं। और आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं कि भाग्य चोरी हो गया है। क्या होता है भाग्य का चोरी होना, किन कर्मों से भाग्य चोरी होता है, और अगर भाग्य चोरी हो गया है तो कौन से उपाय करने चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भाग्य की चोरी होना दरअसल क्या होता है। देखिए, भाग्य की जो चोरी होना है वो एक दिन में नहीं होता कि आपका भाग्य घट गया, आपका भाग्य चोरी हो गया। आप निरंतर ऐसे काम करते हैं, निरंतर ऐसे कर्म करते हैं जिससे आपका भाग्य घटता है या चोरी होता है। कैसे होता है ये देखिए, काफी बार हमारा भाग्य बहुत अच्छा होता है और कुंडली के ग्रह भी अच्छे होते हैं और जीवन की दशाएं भी उत्तम होती हैं, लेकिन फिर भी जिस समय हमें जरूरत होती है उस समय पर हमारा भाग्य काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने हमारा भाग्य चोरी हो जाता है, हमारा भाग्य घट जाता है। और ये हमारा भाग्य घटता है, चोरी होता है हमारे बहुत सारे कामों से। हम बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जाने अनजाने जिससे हमारा भाग्य चोरी होता है और हमें नुकसान भी होता रहता है। अगर हम कुछ कामों को ना करें और कुछ काम करने में सावधानी रखें तो भाग्य को चोरी होने से बचा सकते हैं। यानी आप स्वयं वो व्यक्ति हैं जो ऐसा कर्म करते हैं, ऐसी आदतें डालते हैं जिससे आपका भाग्य कमजोर होता है या आपका भाग्य चोरी होता है। और अगर आपका भाग्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा है या धीरे धीरे चोरी हो रहा है तो उस इशारे को समझिए और अपने भाग्य को बचाने का प्रयास करिए अपने कर्मों के द्वारा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।